तो इस बाइक का प्राइस है 1,20,023 में जो आया है, एंड ये एक बहुत ही पावरफुल मशीन है। अभी इस RS 200 का आप लोगों को एग्जॉस्ट नोट सुनाते हैं। अभी इसमें आप 18% पेट्रोल एंड 20% इथेनॉल डाल सकते हो। इस सेगमेंट में, मतलब ये 200cc सेगमेंट में ये बाइक तो मुझे बहुत ही पसंद है, एंड आप लोगों को टोटल डिटेल में मैंने बता दिया कि क्या क्या आप लोगों को ये RS 200 में मिलता है 2023 वर्षन में। आज मेरा फर्स्ट, मेरा ड्रीम बाइक में राइड कर रहा हूँ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है इस बाइक को चलाने पर, एंड बाइक बहुत ही कम्फर्टेबल है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग देख रहे हो विंस्टर ब्लॉग। आज आपके लिए लाया हुआ एक न्यू वीडियो। सो गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है वो होगा RS 200 के ऊपर। तो ये RS 200 BS6 का वर्षन है, तो न्यू वर्षन मेरे पास अभी फिलहाल नहीं है। तो न्यू वर्षन में क्या क्या चेंजेस हुआ है ये सब के ऊपर ही आज बात करेंगे, एंड इस बाइक का आज रिव्यू करेंगे। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस बाइक का लुक्स देख लो, तो कितना सुंदर लग रहा है ये बाइक। एंड सामने जो है ये रिंगलाइट लगा हुआ है, तो इसी कारण के लिए और भी अच्छा लग रहा है। एंड ये बबल वाइजर है, इसके लिए बाइक का जो लुक्स है और भी बल्कि लग रहा है, आप लोग देख सकते हो। तो सबसे पहले आते हैं इस बाइक का प्राइस में। तो इस बाइक का प्राइस है 1,72,000 एक शोरूम प्राइस। ऑन रोड हम लोगों के इधर 2,00,000 के ऊपर चला जाता है। तो इस सेगमेंट में सबसे अच्छा बाइक है ये, मतलब फेयरिंग बॉडी के ऊपर जो 200cc का बाइक है कम प्राइस में आपको मिल जाता है। एंड जो लुक्स भी है, लुक्स भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, एंड प्राइस तो बहुत ही कमाल का प्राइस है। क्योंकि अगर आप लोग V3 लेना चाहते हो, V3 का जो क्या बोलते हैं V3 एंड V4 एंड R15M जो है उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है, एंड पावर भी इतना ज़्यादा नहीं है जितना इस बाइक के ऊपर है। 2023 में जो आया है बाइक का लुक्स तो एकदम ही सेम है, सब कुछ एकदम सेम है, मतलब आप लोग देख सकते हो एकदम ही सब कुछ सेम है। सिर्फ जो मीटर है, मीटर में गियर इंडिकेटर जो पोजीशन है वो ऐड कर दिया है, इस बाइक में फ़िलहाल नहीं है। जो BS7 का वर्सन है उसमें है गियर पोजीशन इंडिकेटर, लेकिन इस बाइक में नहीं है क्योंकि ये BS6 का वर्सन है। ये 2023 का ही मॉडल है, लेकिन ये इस बाइक में वो वाला फीचर्स नहीं है। जो गियर इंडिकेटर पोजीशन है वो फिलहाल इस बाइक में आपको नहीं मिलता है, लेकिन जो न्यू RS 200 है उसमें मिलता है। तो उसमें और कुछ भी चेंजेस नहीं है, सिर्फ वो गियर पोजीशन जो इंडिकेटर है वो दिया है, और कुछ भी न्यू ऐड नहीं हुआ है फीचर्स। आपको इस बाइक में डुअल चैनल का ABS मिलता है, एंड बाइब्रे का ब्रेक मिलता है। पीछे भी ABS है, आप लोग देख सकते हो, एंड सामने जो है सामने भी ABS है। अब आते हैं इस बाइक का इंजन पे। इंजन 199cc का है, एंड जो इस बाइक का जो BHP है वो 24.5 BHP का ये बाइक है, एंड 18.7 NM का इस बाइक में टॉर्क मिलता है 6-स्पीड गियर बॉक्स के साथ। आप लोग को दिखा देता हूँ, ये देखो 6-स्पीड गियर बॉक्स है इस बाइक में, एंड ये एक बहुत ही पावरफुल मशीन है इस सेगमेंट में, मतलब 200cc में ये बाइक जो है ये बहुत ही पावरफुल है। अभी इस RS 200 का आप लोगों को एग्जॉस्ट नोट सुनाते हैं। तो आप लोग तो इस बाइक का एग्जॉस्ट नोट सुन ही सकते हो, बहुत ही सुंदर एग्जॉस्ट नोट है, एंड इस बाइक में कोई एक्स्ट्रा करके एग्जॉस्ट लगाने का ज़रूरत नहीं है। इस बाइक का जो स्टॉक एग्जॉस्ट है उसका ही साउंड बहुत अच्छा है, तो अगर आप लोग एग्जॉस्ट लगाओगे तो साउंड बेकार हो जाएगा, लेकिन इसका जो स्टॉक एग्जॉस्ट है वो बहुत ही अच्छा एक एग्जॉस्ट है। तो इस बाइक का जो फ्यूल कैपेसिटी है वो 13 लीटर का फ्यूल कैपेसिटी है। तो अब इस बाइक में E2A टेक्नोलॉजी आ चुका है, एंड अभी इसमें आप 18% पेट्रोल एंड 20% इथेनॉल डाल सकते हो। मतलब इसका जो BS7 का जो मॉडल है, मतलब जो 2023 का मॉडल है उसमें, इसमें नहीं है फिलहाल, लेकिन उसमें है। इस बाइक में आपको क्लिप ऑन हैंडल बार मिलता है, एंड बैकलाइट LED के साथ, मतलब जो स्विच है इसमें आप लोगों को बैकलाइट मिलेगा। ये देखो जो NS में आता है सेम ही है। तो मीटर आपको एनालॉग प्लस डिजिटल मीटर मिलता है, एंड इस जगह पे गियर इंडिकेटर पोजीशन है, लेकिन इस बाइक में नहीं है। तो वो BS3 का, मतलब BS7 का जो वर्सन है 2023 का उसमें सिर्फ है, इस बाइक में अभी फ़िलहाल नहीं है। आप लोगों को जो हेडलाइट मिलता है वो हेडलाइट प्रोजेक्टर हेडलाइट मिलता है, आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखो प्रोजेक्टर हेडलाइट, एंड जो लुक्स है बहुत ही कमाल का एक लुक्स मिलता है, एंड ये दो DRL है, आप लोग देख सकते हो आईब्रो को तरह लग रहा है ये लुक्स बाइक का। एंड इस बाइक में आप लोगों को स्प्लिट सीट मिलता है, ये पिलियन का सीट है, बहुत ही सॉफ्ट है, एंड जो राइडर सीट है वो भी सॉफ्ट है, मतलब जो NS 200 में आता है वैसा ही सीट है। सीट का कुशन भी सेम ही मुझे लग रहा है एकदम। तो एंड जब आप लोग राइड करोगे फुली कंफर्टेबल होके राइड कर सकते हो, एंड इस बाइक का जो पोस्चर है, मतलब राइडिंग पोस्चर, वो भी बहुत कमाल का है। बैक साइड पे का जो टेल लाइट है वो बहुत ही मुझे सुंदर लगता है, लेकिन बहुत सारे को ये पसंद नहीं है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है ये टेल लाइट ही, मतलब जो बैक लाइट है। एंड बैक लाइट जो है आप लोगों को LED मिलता है,
एंड उसके साथ जो इंडिकेटर है वो भी एलईडी मिलता है। तो सामने से आप लोगों को एक बार एलईडी इंडिकेटर ऑन करके दिखा देता हूँ। ये देखो सामने से इसका लुक। तो इस बाइक का जो आपको फ्रंट टायर मिलता है वो 100x18x17 का आप लोगों को टायर मिलता है सामने वाला। एंड जो रियर टायर है ये आपको 130 सेगमेंट का मिलता है, 130x17x17 का टायर मिलता है। लेकिन अगर 140 का टायर होता तो और भी अच्छा होता इस बाइक के साथ, क्योंकि ये 200cc का बाइक है। अगर आप लोग को 140 का टायर मिलता तो जब कॉर्नरिंग करोगे तब और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि टायर थोड़ा सा मोटा हो जाता है इस सेगमेंट में, मतलब ये 200cc सेगमेंट में। ये बाइक तो मुझे बहुत ही पसंद है एंड आप लोगों को टोटल डिटेल में मैंने बता दिया कि क्या क्या आप लोगों को ये RS 200 में मिलता है 2023 वर्षन में। सो गाइस अभी आप लोगों को थोड़ा सा राइड करके बताऊंगा कि ये बाइक कैसा है, उतना राइड नहीं करूंगा, थोड़ा सा ही रील भी शूट करेंगे। तो बाइक तो एकदम मतलब न्यू बाइक है। सो गाइस ये बाइक तो चलाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो इधर से ओ इसमें तो ABS भी है, मैं तो भूल ही गया, ये तो पहले जब लॉन्च हुआ था तब से ही इसमें ABS आ गया है। तो चलाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, कभी भी नहीं चलाया हूँ, आज मेरा फर्स्ट मेरा ड्रीम बाइक में राइड कर रहा हूँ, बहुत ही मज़ा लग रहा है, मतलब क्या ही बोलूँ। थैंक यू सो मच सुमन, एंड जिसका बाइक है उसको भी बहुत ज़्यादा थैंक यू कि मुझे दिया चलाने पे चलाने के लिए। तो वो शॉर्ट नहीं हुआ है, फिर से और एक लेगा। लैग फील हो रहा है मुझे। ओ भाई क्या पिकअप है इसका, एंड ब्रेकिंग क्या मस्त है भाई, बहुत ही कमाल का ब्रेकिंग है। मेरे NS में तो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिल रहा है। बाइक मतलब कब खरीदूंगा इसको मैं यही सोच रहा हूँ। वो लोग रील बना रहे हैं तो मैं फिलहाल मेरे रील में उतना ज़्यादा अभी मूड नहीं है, ये बाइक राइड करने में मेरा मूड अभी है फिलहाल, क्योंकि मैंने कभी नहीं चलाया हुआ एंड आज चला रहा हूँ तो बहुत ही अच्छा लग रहा है इस बाइक को चलाने पे। एंड बाइक बहुत ही कम्फर्टेबल है एंड राइडिंग का पोर्शन जो मैं बोल रहा था रिव्यू में कि बहुत ही अच्छा पोर्शन है इस बाइक का। एंड कैमरा एंगल मुझे पता नहीं कैसा आ रहा है, तो अगर गलत मतलब ख़राब आ रहा है थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, ठीक है। एंड इस बाइक के ऊपर और कोई भी वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट पे बताना, मैं वीडियो बना दूंगा इस बाइक के ऊपर, ठीक है, क्योंकि मैंने सुमन से बात किया, सुमन साइड पे ही आ रहा है। NS चल रहा है मेरे सामने, मेरा बाइक है निदान, मेरा ड्रीम बाइक मतलब मेरा क्रश, ओह माय गॉड अलग ही फील हो रहा है। मैं उतना ज़्यादा फेयरिंग बाइक कभी भी चलाया नहीं हूँ, आज ही फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आज जाके सोच रहा हूँ कि मेरे घर में बात करूँ एंड एक इस बाइक का प्लानिंग करूँ। बहुत ही अच्छा बाइक है, बहुत ही अच्छा। सो गाइस ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।